मेरे क्षेत्र में जो दो गांव हैं उस्मानपुर गड़ी बेंडू वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और सिग्नेचर ब्रिज के नीचे जहां अस्थायी रूप से पाकिस्तान के विस्थापित हिंदू परिवार रह रहे हैं ये तीनों इलाका पूरा डूब गया है। बाकी इलाके में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम कल से रेस्क्यू में लगे हुए हैं और सहायता पहुंचाने में लगे हैं। गांव के अंदर जो लोग फंसे थे NDRF की और DM की मदद लेकर के हमने उन लोगों को बाहर निकाला है। उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मवेशी भी हैं, उनको बाहर निकाला है। और सरदार पटेल हमारी जो चौपाल है वहाँ पर भी व्यवस्था की है। यहाँ पर टेंट लगे हैं, खजूरी चौक के नीचे भी हमने टेंट लगवाया है और एकाध स्कूलों में भी हमने व्यवस्था की है। हम राहत सामान भी बांट रहे हैं। लगातार 300 से 400 लोगों का हमने 3 पॉइंट बनाए हैं भोजन के लिए भी, कढ़ी चावल, राजमा चावल। इस प्रकार से हम लोगों को दोनों समय भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं और जो भी सहायता है हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर अभी दूध, ब्रेड और चीनी भी अभी यहाँ बांटी है क्योंकि बच्चों को दूध भी चाहिए था। और इसके अलावा जिनको दवाइयों की आवश्यकता है हमने दवाइयाँ भी दी है। कुछ लोग हैं अभी वो जिद पर हैं, वो अपनी मर्जी से रुके हैं। बहुत आग्रह किया, SHO साहब को ले जाकर भी समझवाया, SDM शरद जी ने भी निवेदन किया, पर कुछ लोग अपने परिवार को छोड़ करके, अपने धन को, अपने पशु मवेशी को छोड़ करके जाना नहीं चाहते। हमने कहा है कि आपकी ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यकता पड़ी तो और थोड़ा सख्ती करके भी उन्हें हम रेस्क्यू करेंगे। लेकिन अब दोनों तीनों गाँव में मिला के 30 एक लोग बचे होंगे, यह मेरा अनुमान है।